नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको ज्योतिष में बुध ग्रह के विषय में बताने जा रहा हूँ। नवग्रह में बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, शिक्षा, एकाग्रता के कारक हैं और इनकी स्थिति किसी भी कुंडली में जातक को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाती है। व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह सूर्य से निकटतम ग्रह है बुध। नवग्रह में युवराज हैं ये। बुद्धि, विवेक, वाणी, हास प्रयास के कारक हैं। बुध कॉमर्स, व्यापार, बैंकिंग, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के भी कारक हैं। रिश्तों की बात करें तो ये मामा का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुंडली में एक अच्छे व मजबूत बुध का होना आपके करियर में चार चांद लगा देता है। मित्रों, ज्योतिष में बुध को 12 राशियों में से दो राशियां अलॉटेड हैं, मिथुन और कन्या। कन्या राशि में ही ये उच्च के माने जाते हैं और मीन राशि में नीच के होते हैं। बुध त्वचा, फेफड़े, कान, तंत्रिका तंत्र आदि पर भी अपना प्रभाव रखते हैं। बुध अच्छा है तो व्यक्ति हाजिर जवाब होगा, उसमें तर्क करने की, विश्लेषण करने की अच्छी क्षमता होगी। मजबूत बुध वाले लोग ही लेखक, गणितज्ञ, शिक्षक, ज्योतिषी, न्यूज रिपोर्टर, दलाल, व्यापारी और बैंक के क्षेत्र में कार्य करने वाले और सफल कलाकार भी होते हैं। बुध की दिशा उत्तर है, इसलिए कुंडली में यदि बुध अच्छी जगह है, मजबूत है और कारक है तो फिर व्यक्ति को उत्तर दिशा मुख्य द्वार वाले मकान में रहना चाहिए। रंग इनका हरा है। ये आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्रों के लॉर्ड हैं। सूर्य, शुक्र और राहु से इनकी मित्रता है। चंद्रमा से ये शत्रुता रखते हैं और इस शत्रुता की भी एक कहानी है, फिर कभी बताऊंगा किसी वीडियो में। मंगल, शनि और बृहस्पति से इनका संभाव है या तटस्थ संबंध है। बुध का रत्न हरा पन्ना होता है और बुध की महादशा 17 वर्षों की होती है। मित्रों, मैं पुनः आपको ये बतलाता हूँ कि बुध बुद्धि के कारक हैं, इसलिए यदि बुध कमजोर हुए तो फिर व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर पाता, उसकी समझने की शक्ति उतनी अच्छी नहीं होगी, फैसला लेने में थोड़ा वक्त लगाएगा, एकाग्रता भी नहीं होगी, ध्यान बारंबार भटकेगा और व्यक्ति दुविधा की स्थिति में रहेगा। उसकी वाक शक्ति अच्छी नहीं होगी, हो सकता है कि वह अटक अटक कर बोले। कमजोर बुध त्वचा से जुड़ी समस्याएं भी दे सकता है। एलर्जी की समस्या हो सकती है, नाक, कान, गले की समस्या हो सकती है। यदि जातक कोई विद्यार्थी है तो उसे गणित विषय में थोड़ी दिक्कत होती है, गणित व अकाउंट्स में वह कमजोर रहता है। अब मित्रों, इस वीडियो के अंत में रेमेडी की बात कर लेते हैं। तो ऐसे जातक को जिनका बुध कमजोर हो कुंडली में, उन्हें प्रतिदिन हरे रंग के श्री गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए और अपने खाने में हरी सब्जियां, हरी मिर्च को स्थान देना चाहिए। तो मित्रों, इसी जानकारी के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सियाराम, नमस्कार।